करते हैं। अच्छा चलो सही। तो ना वो कहते हैं अच्छा चलो सही है, आप अपने मिशन पे जाओ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तो आप अपने मिशन पे ना जाओ। वो जो आता है तो ना घोड़े घोड़े के ऊपर जाता है। पुराने जमाने में ना घोड़े होते थे जाए ना, आपको पता? अच्छा वो पुराने में ये सच्ची स्टोरी? हाँ ये सही स्टोरी। सही तो नहीं लग रही आपको? सही नहीं लग रही मतलब सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। सच्ची है, मैंने कहीं देखी है शायद। अच्छा। तो ना वो कहते हैं बादशाह सलामत, कहते हैं बादशाह सलामत, बादशाह सलामत से दुआएं लेके, अपने बाबा से दुआएं लेके, तो वो चला जाता है। तो उसके बाद ना जब वो चला जाता ना तो घोड़े के ऊपर जाता, वो घोड़े को काटते हुए लेके जाता, लेके जा ही जाता, लेके जा ही जाता, 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 ना आपके दो मुंह पे बाल काटती जाऊं साथ साथ? नहीं, दो मुंह बाल नहीं, ना जिससे बालों की ग्रोथ होती है, दो मुंह बाल। हाँ मतलब जो दो मुंह बाल होते हैं ना वो अगर काट दे ना, हाँ। मेरी बेटी बालों की ग्रोथ जो है ना वो बढ़ती है थोड़े थोड़े, आपके ज्यादा नहीं क्योंकि आपके स्ट्रेट है ना। अच्छा तो ना वो घोड़ा लेके जाता है, इतनी दूर लेके जाता है, इतनी दूर लेके जाता है, तो ना उसको ना दूर दूर भगाई जाता तो उसको ना वो आ जाती है, नींद आ जाती है। जब वो नींद में होता है तो ना उसको ना ख्वाब में ना एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे पता है आप शहजादी के लिए आए हो, शहजादी का काम करने आए हो, कि किसी तरह से ना शहजादी को जो श्रप मिला हुआ है वो उसका श्रप टूट जाए और आपकी शादी उससे हो जाए। और मुझे ये भी पता है कि आपको किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, आप शुरू से ना शहजादी से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना एक दरिया के अंदर ना एक मछली जो है ना पत्थर के नीचे फंसी हुई है, पहले उसको निकालना होगा, उसके बाद आपको एक ना वो है एक छोटा सा वो कीड़ा है, वो कीड़ा जो है ना वो उसको खुराक नहीं मिली, वो खुराक की तलाश में है, तो आपको उसको खुराक देनी होगी। और एक बिल्ली का बच्चा है उसको उसकी माँ तक पहुँचाना है, ये तीन काम आप करोगे तो आप इजीली परी तक पहुँचोगे। और फिर वो जो फेरी है ना जो बड़ी डेंजरस ही है, उसकी जान ना एक उसमें है मैना में, यह तोता होता ना एक मैना भी मैना में है, तो आप वो जो मैना है ना तो उस मैना को जब आप वो करेंगे मैना को मार देंगे तीर के साथ या किसी चीज के साथ। मामा और क्यों काट रही है? मैं दो मुंह बाल काट रही हूँ बेटे, सारे इससे बाल लंबे होते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है ना मेरी जान। रुक जाती है जाइना? क्यों रुक जाती है? बालों की ग्रोथ इससे रुक जाती है, ये जब हो जब खत्म हो जाए तो फिर तो सही होते हैं ना बेटे बाल, जब खत्म हो जाए तो फिर मैं भी यही करती हूँ। मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं अब बढ़ेंगे, इनको खत्म करेंगे तो बढ़ेंगे ना, दो मुंह बालों से कभी दो मुंह वाले बाल भी आगे बढ़ते हैं। बस करें इतने नहीं। अच्छा थोड़ी काट नहीं ज्यादा काट, स्टोरी भी सुनाए मुझे। अच्छा तो वो जनाब उसको इस तरह से ये ख्वाब आता है और वो फटाफट उठ जाता है, उठता तो कहता है ये तो ख्वाब था। तो वो ना आगे दरिया आता है, तो दरिया में देखता है पत्थर होता है, तो पत्थर को पीछे करता है तो एक बड़ी सी मछली होती है, वो फटाफट तैरना शुरू कर देती है, कहता है वाकई ये ख्वाब जो था ये सही था, ये झूठ नहीं था, वो उसने जादूगर ने सही बताया था। तो ना वो आगे जाता थोड़ी देर बाद तो उसको एक चींटी होती है, उसको खाना नहीं मिल रहा था, जो ये नहीं करें बेटे, एक चींटी होती है तो उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो चींटी को फटाफट कहीं से वो जिस तरह छोटे छोटे दाने नहीं गिरे होते हाँ। वो दाने चींटी को खाना इस वजह से नहीं मिल रहा था, चींटी जो होती है ना वो ब्लाइंड होती है, अंधी होती है। हाँ अंधी होती है, तो उसको खाना देता है, तो वो उसको जब खाना मिलता है तो चींटी खाना खाती है और फिर ना चलना शुरू कर देती है,
उसके बाद बस करें। बस ही करें थोड़ी काट। हाँ। उसके बाद जनाब और क्या होता है, बिल्ली का, बिल्ली का बच्चा घूम गया। हाँ, उसको उसकी मामा जो है ना वो नहीं मिल रही होती। तो ना वो बिल्ली के बच्चे को ना, एक बिल्ली का बच्चा रो रहा होता तो ना इस तरह वो बिल्ली के बच्चे के साथ ना बिल्ली के बच्चे को पकड़ता है और उसकी माँ तक उसको पहुँचाता है कि मैं ना इसको इसकी माँ तक पहुँचाऊँ। तो बिल्ली का उसकी माँ भी उस बेचारे को ना इतना ढूंढ रही होती है। तो ना बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाता है। तो बिल्ली की माँ जो बड़ी खुश होती है और उसके पाँव में ना चाटना शुरू कर देती है। पता है आपको, बिल्ली और जो कुत्ता होता है ना वो इंसानों से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो उसको ना चाटना शुरू कर देती है कि इसने मेरा बच्चा ढूंढ के दिया। तो इस तरह आपको सीधा सा रखना फिर फिर उसके बाद ना वो ना एक अजीबो गरीब ना घर होता है, कहते हैं मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं कहीं इधर ठहर ना जाऊँ। अंदर जाता है तो अंदर ना फेरी सोई होती है, वो छुपके से जाता है। वो कहते हैं ये तो एक फेरी का घर है वाकई, और कहीं ये वही वाली फेरी तो नहीं है जिसने शहजादी की जान जो है वो कब्ज की है, शहजादी की जान सॉरी कब्ज की है, जिसने शहजादी को श्राप दी है। कहते हैं मैना नहीं नज़र आ रही। थोड़ी देर बाद ना उसको मैना भी नज़र आ जाती है, एक पिंजरे में ना कैद होती है। तो वो ना अपने उसके पास ना तीर भी होता है, तीर अंदाजी नहीं होती जो तीर भी होता है। तो वो ना तीर अंदाजी के साथ उसको तीर मैना को मारता है इससे पहले कि वो जाके, जो ही मैना को तीर लगता है ना तो वो एकदम धुआं धुआं हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है और एक चीख की आवाज आती है। तो फिर उस फेरी की डेथ हो जाती है। और वो जो मैना होती है ना वो भी एक शहजादी होती है, पता है आपको। तो अभी तक करो मैं आपको वो नेल्स भी साथ साथ फेर। तो वेयर सीजर, आपने तो पकड़ी थी जो हेयर गेट साइड जो है ऐसे ऐसे रखे। उसके बाद वो जो मैना होती है वो भी एक बेबी होती है, बेबी कह रही हूँ, एक शहजादी होती है किसी मुल्क की। वो कहती है मुझे ना इसने मेरे, मैं अपने माँ बाप की ना एक लौती औलाद हूँ, तो मुझे इसने ना कैद किया था और ये चाहती थी कि एक और मुल्क की शहजादी है उसको भी मैं कैद करके ना उसको भी तोता बना दूँ या कोई और तोती बना दूँ। तो हम लोग कैद करके ये हमेशा के लिए रखना चाहती थी। इसका एम ही ये होता था कि मैं जो जो इकलौती बेटियां हैं ना शहजादियां हैं मैं उनको कैद कर लूँ और उनके माँ बाप से ना उनकी सारी दौलत जो है ना वो छीन लूँ। तो इस वजह से ना इसने मुझे कैद किया था और आपका बहुत शुक्रिया शहजादे, दूसरा हाथ आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया शहजादे, आपने ना मुझे इसके चुंगल से ना बचाया। तो कहता कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं तो इसी वो जिस शहजादी की आप बात कर रहे हैं ना मैं उसी शहजादी के ना के साथ मेरी शादी होनी थी, लेकिन उन लोगों ने ना शर्त रखी थी ये तो मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था, मेरे साथ अल्लाह की मदद थी और मेरे पापा ने मुझे कहा भी था कि सोच समझ लो, लेकिन मैं शहजादी को शुरू से बड़ा ज़्यादा लाइक करता हूँ। मेरी ना उसके साथ बड़ी ज़्यादा, छोटे होते हम लोग इकट्ठे खेलते थे, मुझे तब से वो बड़ी अच्छी लगती है। तो वो कहती है अच्छा ये बात है, तो अब आप मुझे भी मेरे ना मामा पापा के पास पहुँचा दें, मेरे माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे कि इसने मुझे कहाँ ले के गई। वो कहते हैं अच्छा सही है। फिर वो उसके बाद वो ना पीछे करें सर, उसके बाद वो उसको उसके मामा पापा के पास पहुँचाते हैं, वो भी एक मुल्क का ना बादशाह सलामत होते हैं। जब वो अपनी बेटी को देखते हैं, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि छोटी सी होती है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती है ना, जैसे छोटा बेबी नहीं होता बिल्कुल छोटा, दो तीन जैसे वो एक माँ का दो माँ का हाजिर का नहीं, हाजिर तो बड़ा हो गया ना, छोटे छोटे बेबीज को लेके जाती है। तो ना वो बड़ी ज़्यादा ना हैरान
वो उसको देखते हैं तो बड़ा ज़्यादा हैरान भी होते हैं और बेचारे वो भी होते हैं परेशान भी होते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर आ गई है और इतनी देर बाद आई है और इतनी बड़ी हो गई है, रोना शुरू कर देते हैं और उसका बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो कहते हैं ना, आप लोग ना रोएं, आप लोग की बेटी घर आ गई है, अब आप अपनी बेटी के साथ प्यार करें, उसकी केयर करें। और आप लोग इस तरह से, आप लोगों को लेसन लेना चाहिए, आप लोग कभी भी किसी फेरी की इस तरह दुआ पर ना यकीन ना रखें कि हमारी बेटी मिल जाएगी तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा। तो आप लोग ना अपनी बेटियों के लिए ना खुद अप केयर करें, किसी को ना कहें कि हम अपनी बेटी आपको दे देंगे। वो कहते हैं हमारे साथ गलती हो गई है, हमने ना इस तरह कर दिया, इस तरह वो वापस आते हैं। तो बादशाह सलामत जो है वो जब अपनी बेटी को देखते हैं, उनकी बेटी जब उसको रोना आता है तो वो रोती है तो आंसू निकलते हैं। वो कहती है बाबा मेरी आंखों में से तो आंसू आ गए। वो कहते हैं मेरी बेटी सही हो गई। फिर वो वजीर के बेटे से उसकी शादी कर देते हैं।